So, सबसे पहले अगर हम बात करें ओढ़नियों की, तो उसमें हम लेते हैं प्योर की जो ओढ़नी आती है, प्लेन जो ओढ़नी आती है उसके बारे में। तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें पिंक और रेड आपको अपने पास मस्ट हैव रखनी है, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे आप कोई भी पोशाक पहनते हैं या कोई भी ओढ़नी के साथ अगर ड्रेस पहनते हैं, जैसे कि एक साथ सूट जो भी बहुत चल रहे हैं वो अगर आप पहनते हैं, तो उसमें अगर आप प्योर की हेवी ओढ़नी अगर आप लगा लेंगे ना, तो वो पूरी पोशाक ही हेवी मतलब लगने लगती है। तो इसके लिए आप अपने पास अपने वार्डरोब में प्लेन ओढ़नी जरूर रखें, और ज़्यादा नहीं रखना चाहते तो एक रेड तो आप पक्का रखें अपने वार्डरोब में, ताकि आपके जो पोशाक है, आप किसी भी ड्रेस के साथ पहन रहे हैं तो उसका जो लुक है वो बिल्कुल रॉयल सा लुक है, और राजस्थान का लुक तो बिल्कुल वैसे भी रॉयल सा लगता है आप कोई पोशाक पहनते हैं। तो इसके लिए आप अपने पास प्योर की ओढ़नी जरूर रखें अपने वार्डरोब में, ताकि आप किसी भी ड्रेस के साथ मिक्स एंड मैच कर सकें। अगर हम बात करें तो उसके बाद में जो रेशमी ओढ़नी आती है, जो प्योर की तरह ही होती है, बट थोड़ी मतलब कि उसका कपड़ा डिफरेंट होता है, उसको आप घर पे वॉश कर सकते हैं अच्छे से, और वो इस तरीके की आती है। एंड इसका ये है कि आप घर पे अगर आप कोई नॉर्मल ओढ़नी ओढ़ना चाहते हैं, तो आप इस तरीके की पोशाक मतलब किसी भी ड्रेस के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका भी। एंड बिल्कुल ही प्योर की जो ड्रेस होती है उसी की तरह आपको मतलब लगेगी, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगी आपने कि हल्की आपने ओढ़नी ओढ़ रखी है। तो इसको रेशमी ओढ़नी बोला जाता है, और बहुत ही सस्ती आती है, इसको आपको ईजिली किसी भी शॉप पर राजस्थान में मिल जाएगी आपको। तो अगर आपको इस तरीके की आपकी एक ओढ़नी भी आपके वार्डरोब में होनी चाहिए, वो आप किसी भी तरीके की रख सकते हैं, रेड हो गया, पिंक हो गया, या किसी और कलर की ओढ़नी रखना चाहते हैं, ऑरेंज हो गया, तो इस तरीके की आप अपने पास एक रख सकते हैं। नेक्स्ट जो ओढ़नी है उसकी अगर हम बात करें, तो वो तो राजस्थान का एक, आप समझ लीजिए राजस्थान की एक शानी है, जैसे कि चुनरी की जो ओढ़नी आती है, बहुत बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत सालों से चलती आ रही है, और अभी भी मतलब हमेशा ट्रेंड में ही रहती है, ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। तो मेरे पास जो ओढ़नी है वो इस तरीके की हाफ प्योर में है, और इस पर हेवी वर्क किया हुआ है। इसका मैंने हेवी वर्क का इसलिए लिया, एंड हाफ प्योर का रीज़न ये है कि हाफ प्योर में आप मतलब जो ओढ़नी है वो कम ख़राब होती है, आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको जैसे करवा चौथ वगैरह हो गया या कोई भी व्रत वगैरह हो गया, उसमें आप आसानी से इसको पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे राजस्थान में माना भी जाता है कि अगर आप जैसे व्रत पे चूड़ी वगैरह की ओढ़नी वगैरह ड्रेस पहनते हैं तो वो काफ़ी अच्छी मान जाती है, शुभ मान जाती है। तो इस तरीके की चुनरी की ओढ़नी आप अपने पास हेवी चुनरी की, अगर चाहे हेवी नहीं पहनना चाहते तो आप जो लाइट आती है जिसमें इतना वर्क वगैरह नहीं होता वो भी रख सकते हैं, और उस पर बहुत ही सुंदर कुंदन वर्क किया हुआ है। तो इस तरीके की ओढ़नी भी आप एक अपने वार्डरोब में ज़रूर रखें, ये भी एक मस्ट हैव ओढ़नी है आपके लिए। तो इस तरीके की ओढ़नी भी आप अपने वार्डरोब में रख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें ओढ़नी की, तो एक ओढ़नी आती है जो कि बिल्कुल हाफ प्योर की ओढ़नी आती है, बिल्कुल ही हाफ प्योर आती है। इसकी प्रॉब्लम एक ही होती है कि ये थोड़ा सा सिर पे मतलब कि सही से लगती नहीं है, अगर आप बार बार घूंघट आपको निकाल घूंघट में तो फिर भी ठीक रहेगी, क्योंकि आप ऐसे नॉर्मली सिर पे लगते हैं तो वो थोड़ी प्रॉब्लम करती है बाकी, बट इसको आप डेली में आराम से पहन सकते हैं, एंड इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके की ओढ़नी भी आप अपने पास रख सकते हैं। सो लास्ट ओढ़नी है, अगर हम बात करें लास्ट ओढ़नी की, तो वो है इस तरीके की ओढ़नी, पचरंगी ओढ़नी भी आती है, इसमें 6-7 कलर्स और भी आते हैं, उस तरीके की ओढ़नी भी आती है, और एक इस तरीके की ओढ़नी, इसमें 3 कलर्स दिए हुए हैं, ब्लू, पिंक एंड ऑरेंज। तो इस तरीके की ओढ़नी आप रखने से क्या होगा कि जिसमें 3 कलर्स हैं तो आप 3 कलर की पोशाक के साथ इसको आप मिक्स कर सकते हैं, एंड अगर आप कभी कोई पोशाक ख़राब भी हो गई है तो उस पोशाक के साथ भी आप इसको वियर कर सकते हैं, क्योंकि आराम से मिक्स हो जाएगी, उसके अंदर मैच हो जाएगा आपके कलर्स वगैरह सारे। तो इस तरीके की ओढ़नी भी आप अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि इनकी बहुत ही मतलब बहुत ही काम आती है इस तरीके की ओढ़नी जो होती है। सो इस तरीके की ओढ़नी से आप अपनी पोशाक को अलग से नई मतलब नया लुक दे सकते हैं, नया लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो यही था आज का वीडियो। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कोई आपकी क्वेरी वगैरह हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको ट्राई करूँगी कि आपको उसका जवाब दे पाऊँ। और अगर आपको कोई आइडियाज़ वगैरह देना हो, किसी तरीके का वीडियो अगर आप चाहते हैं, तो उस तरीके का भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये